जब राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट हुई तो उसमें जो पहला तरीका था वो पोइट्री ही था. पोइट्री इज द वे टू डू आवर क्रिएटिव राइटिंग. इसमें हमने अभी फिलिप सिडनी रिसेंटली हमने कवर किया है. अब हम पोइटिक्स पढ़ने जा रहे हैं. पोइटिक्स में देखते हैं, पोइटिक्स अरिस्टोटल ने लिखी थी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हु इज अरिस्टोटल एंड व्हाट इज पोइटिक्स और इसने क्यों ये पोइटिक्स लिखी थी. अरिस्टोटल C 384 to 322 BCE एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था, फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, डिसिपल ऑफ प्लाटो था. प्लाटो का ये शागिर्द था एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. और अलेक्जेंडर का ये टीचर था, प्लाटो का शागिर्द था और अलेक्जेंडर पॉप का ये जो है टीचर था. डेंटी कॉल्ड हिम द मास्टर ऑफ दो हु नो. और डेंटी उसको क्या कहता है, ये उनका मास्टर है जो कि इल्म रखते हैं. मास्टर ऑफ दोज हु नो. प्लाटो रेफर टू अरिस्टोटल एज द माइंड. और प्लाटो ने अपने ही शागिर्द अरिस्टोटल को कहा कि एज द माइंड, मतलब एक बहुत ही काबिल माइंड का इंसान है. मेन आर्टिकल कॉर्पस अरिस्टोटेलिकम. नेक्स्ट, रीजन फॉर पोएट्री. पोएटिक्स का मतलब ही ये है कि रीजंस फॉर पोएट्री. पोएटिक्स वाज द ऑब्जेक्शन टू ड्रामेटिक पोएट्री एक्सप्रेस बाय हिज टीचर प्लाटो इन हिज रिपब्लिक. पोएटिक्स एक्चुअली इसने लिखी थी, अभी हम फिलिप सिडनी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि फिलिप सिडनी ने स्टीफन गॉसन के चार्जेस के जवाब में जो है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखी. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोएटिक्स. पोएटिक्स असल में इसने लिखी थी प्लाटो के रिपब्लिक के जवाब में, जो कि उसका अपना टीचर था और उसने अपने यूटोपिया में रिपब्लिक में जो उसने अपनी एक आइडियल वर्ल्ड बनाई थी उसमें से उसने पोएट्स को बैनिश कर दिया था. इट इज अ रिप्लाई टू हिज मास्टर प्लाटो. प्लाटो कंसीडर्ड इमिटेशन मेयरली एज मिमिक्री और अ सर्वाइल कॉपी ऑफ नेचर. और प्लाटो इमिटेशन जो कि हम पोइट्री में करते हैं वो उसको मेयरली कहता था कि ये मिमिक्री है, कॉपी है और अ सर्वाइल कॉपी ऑफ नेचर, या ये कॉपी है नेचर की. प्लाटो कंपेयर्ड पोइट्री टू पेंटिंग. प्लाटो कंपेयर करता था पोइट्री को पेंटिंग के साथ. पोइट्री प्रेजेंट्स अ कॉपी ऑफ नेचर एज इट इज, ये प्लाटो का कहना था. और पोइट्री ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. और पोइट्री जो है ट्वाइस रिमूव्ड है रियलिटी से एंड इट इज अ शैडो ऑफ शैडोज. और ये जो है शैडो ऑफ शैडोज है. अब शेडो ऑफ शेडोज का क्या मतलब होता है, एक इंसान का शेडो क्या होता है, वही उसी तरीके का होता है, ब्लैक होता है, डार्क होता है और लंबा होता है. इसी तरीके से एक पेंटिंग बनाई जाती है, एक समंदर की पेंटिंग, वो एक शेडो है, आपके जहन में एक इमेज बन रहा है और वो जो नेचर आपको दिखा रही है वही आपने एक कैनवस पे ड्रॉ कर दिया. क्योंकि ये पोइट्री को कंपेयर ही पेंटिंग से करता था तो इसने उसको कहा कि ये जो पोइट्री है ये शेडो ऑफ शेडोज है. पोइटिक्स में देखते हैं क्या था. Short treatise of 26 chapter, 26 chapters पे ये मबनी थी, 46 pages, 6 parts. अच्छा, 1 to 5, chapter number 1 to 5 में क्या उसने लिखा था, introductory remarks on poetry and its classification. उसने कुछ introductory remarks लिखे थे poetry के ऊपर और इसकी classification. Chapter number 6 से 19 तक उसने tragedy को describe किया था. Chapter number 20 से 22 तक उसने poetic diction को शो किया था कि व्हाट इज पोएटिक डिक्शन. और चैप्टर नंबर 23 में उसने बताया था कि नैरेटिव पोएट्री एंड ट्रेजेडी, के नैरेटिव पोएट्री और ट्रेजेडी क्या होती है. चैप्टर और उसके बाद 24 से 26 तक, अब देखें इसको अगर हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करें तो इन चैप्टर्स को 26 चैप्टर्स को सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया था. ठीक है, यानी कि सिक्स पार्ट में क्या था. चैप्टर नंबर 1 टू 5 से उसने पोएट्री और उसकी क्लासिफिकेशन बताई नंबर फर्स्ट पार्ट में. नंबर सेकंड पार्ट क्या था, उसने ट्रेजेडी बताई. नंबर थर्ड पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 20 से 22 तक उसने पोएटिक डिक्शन बयान की. और 23rd चैप्टर के अंदर उसने नैरेटिव पोएट्री और ट्रेजेडी के बारे में बताया था. 24 से 26 तक उसने ये बताया कि एपिक इज कंपेयर्ड विद ट्रेजेडी. एपिक को उसने कंपेयर किया ट्रेजेडी के साथ. और 25th चैप्टर के अंदर जो कि इसका 6th सेक्शन बना, उसने ऑब्जेक्शंस आर आंसर्ड. उसने उन सारी ऑब्जेक्शंस को जो पोएट्री के खिलाफ थी वो सारी ऑब्जेक्शंस को आंसर किया था. नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इमिटेशन. एक थ्योरी ऑफ इमिटेशन आपने फिलिप सिडनी में भी पढ़ी थी. अब थ्योरी ऑफ इमिटेशन हम
अरिस्टोटल की भी देखते हैं क्या है. उसने बताया था थ्योरी ऑफ इमिटेशन. इमिटेशन किसे कहते हैं? किसी चीज को नकल करना, इमिटेट करना, कॉपी करना. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जितने भी एक्टर्स होते हैं वो रियल कैरेक्टर्स को इमिटेट कर रहे होते हैं. इसी तरह एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को, देखें आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इवन बच्चियां, वो क्या करती हैं? वो इमिटेट करती हैं. बच्चा जो है वो कॉपी करता है, इमिटेट करता है. ठीक है, हर बड़े को. कभी वो टीचर बन जाते हैं, कभी वो पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी कुछ. तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो सेम उसी स्टाइल में बात कर रहे होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स या उनके एल्डर्स बात कर रहे होते हैं. तो वो उनको इमिटेट करते हैं. थ्री वेज ऑफ इमिटेशन. अब वो थ्री वेज ऑफ इमिटेशन आपको बताएगा. मीन्स और मीडियम ऑफ इमिटेशन. पहली बात ये कि वो आपको मीन्स एंड मीडियम ऑफ इमिटेशन बताता है. वो क्या है? मीन्स और मीडियम ऑफ इमिटेशन, सीरियस एक्शन. वो कहता है कि मीन्स और मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए? सीरियस एक्शन होना चाहिए. साउंड, फॉर्म एंड कलर. ठीक है, मीन्स और मीडियम ऑफ एजुकेशन, सॉरी ऑफ इमिटेशन क्या है? सीरियस एक्शन होना चाहिए, साउंड, फॉर्म और कलर होना चाहिए. ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन. नंबर वन मीन्स ऑफ इमिटेशन, नंबर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, नंबर थ्री मैनर ऑफ इमिटेशन. वो अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन को थ्री सेक्शंस में डिवाइड करेगा. ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या है? वो मैन इन कलर है. ठीक है, और मीडियम क्या होता है? मीडियम यानी कि जिसके थ्रू हम, फॉर एग्जाम्पल स्टेज इज द मीडियम जिसके ऊपर पूरा ड्रामा परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, इसी तरह साउंड, फॉर्म, कलर, वो जो बोर्ड्स हैं जिसके ऊपर लिखा होता है एक्ट वन, सीन वन, ये क्या है? दीज आर द मीन्स ऑफ मीडियम ऑफ इमिटेशन. और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या है? मैन इन एक्शन. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन है जो इमिटेट कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट. और मैनर ऑफ इमिटेशन, तरीका क्या होना चाहिए इमिटेशन का? वर्ड्स इन डायलॉग, नैरेटिव होना चाहिए या ड्रामेटिक होना चाहिए. ये दोनों मैनर ऑफ इमिटेशन है. उसके बाद नेक्स्ट भी चलते हैं, ट्रेजेडी. ट्रेजेडी क्या है? डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी. अब अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन बताई, जो कि जब मैं आप लोगों को पार्ट वन पढ़ा रही थी तो मुझे इस ट्रेजेडी की डेफिनेशन और अरिस्टोटल की पोएटिक्स, मुझे अक्सर इसकी कमी फील होती है. और मुझे ये कमी फील हुई कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने से पहले आप लोगों को क्रिटिसिज्म पढ़ानी चाहिए ताकि आपको पता चले व्हाट इज द ट्रेजेडी और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी क्या कंडीशंस हैं. और आप फिर उस तरीके से फिर ट्रेजेडी को, जब हम ईडिपस रेक्स पढ़ रहे थे आपको मैंने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई थी और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसकी असल ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी है वो आप पार्ट टू में क्रिटिसिज्म में जाके पढ़ेंगे. आज वो क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन आ गई है ट्रेजेडी की, जो असल इसकी डेफिनेशन है. और अब आपको याद आएगा कि काश हम पहले ये पढ़ लेते ईडिपस रेक्स की तो हमें पता चल जाता. तो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी क्या है? अरिस्टोटल ने जो बताई थी जिसको हम आइडियल ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी कहते हैं. और ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन. ट्रेजेडी जो है वो एक इमिटेशन होती है. इमिटेशन किसे कहते हैं? किसी चीज की नकल करना एक एक्शन की. दैट इज सीरियस, जो कि सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. और वो एक सर्टेन लेंथ उसके अंदर होनी चाहिए. इन अ लैंग्वेज एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट. और लैंग्वेज के अंदर उसको एम्बेलिश होना चाहिए विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स के साथ. लैंग्वेज के अंदर हम एम्बेलिश कैसे कर सकते हैं? उसकी लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं इसके एपिक की, मोक एपिक की, स्टाइल की, मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल जो है. अब उसमें देखे ना, उसने एक लैंग्वेज ऐसी यूज की जो कि एम्बेलिश करती है विच ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट. इसी तरीके से हम मेटाफर्स यूज करते हैं, सिमिलीज यूज करते हैं और बहुत सारे आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो लैंग्वेज जो होती है, वो डायलॉग्स जो होते हैं, वो हमेशा के लिए जो है वो माने जाते हैं कि दीज आर द डायलॉग्स. ठीक है, वो बहुत पुराने पुराने डायलॉग्स हैं, वो आज भी मशहूर हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी दैट इज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ईच काइंड ब्रॉट सेपरेटली इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द वर्क. और हर काइंड जो है वो ब्रॉट करती है सेपरेटली इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द वर्क. और यही जो आर्टिस्टिक, यही लैंग्वेज जो है उसकी हर काइंड जो है वो सेपरेटली सेपरेट पार्ट ऑफ वर्क को मतलब दिखाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड नॉट इन नैरेटिव फॉर्म. इन द फॉर्म ऑफ एक्शन दिखाती है, नैरेटिव यानी कि ये नहीं कि मैंने आपको एक कहानी सुना दी बल्कि उसको एक्ट करके बताना होता है विद इंसिडेंट्स
अराउजिंग फियर एंड पिटी, ऐसे इंसिडेंट्स के थ्रू जो कि अराउज करते हैं फियर एंड पिटी को, एंड वेयर विद टू अकॉम्प्लिश द कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, और जिसके अंदर अकॉम्प्लिश होता है कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, इन इमोशंस का कैथारसिस होता है, तस्किया नफ्स होता है. अब क्या होता है जब वो ये एक्शन होते हैं, आप देखिए आप एक ड्रामा देख रहे होते हैं या आप एक मूवी देखते हैं, आप उसके एक्शन में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे हीरो या हीरोइन के साथ या वहां के ड्रामा के किसी कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है, प्रोटैगनिस्ट के साथ बुरा होता है, तो अल्टीमेटली आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं. आते हैं ना बहुत सारे लोगों के साथ, 90% लोगों के साथ ये होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज द फियर ऑफ दीज इंसिडेंट्स जो कि उन कैरेक्टर्स के साथ होते हैं ना, जो आप देख रहे होते हैं. आप देखिए कहानी आप पढ़ भी रहे होते हैं, आप पे वो असर नहीं होता, लेकिन जब आप एक ड्रामा देखते हैं और वो परफॉर्म हो रहा होता है, आपके अंदर एक फियर और पिटी. आप देखें कि अक्सर ड्रामा के अंदर आता है कि जब क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है ड्रामा तो वो फौरन से ड्रामा बंद कर देते हैं. क्यों? क्योंकि ऑडियंस के अंदर वो फियर एंड पिटी जो है वो अराउज हो चुका होता है, वो क्लाइमेक्स पे जाके होता है, ठीक है, कि पता नहीं अब क्या होगा. तो व्हाट इज दैट सिचुएशन? दिस इज द फियर एंड पिटी. और उसके बाद जब डाउनफॉल होता है उस प्रोटैगनिस्ट का, तो आप जो है कम्प्लिश करते हैं कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस. ये जो आपके अंदर एक फियर एंड पिटी की कैफियत आती है, तो आपका कैथारसिस होता है और आपकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं. आते हैं कि नहीं आते? ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स वो एक ट्रेजेडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट है, अब फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ ट्रेजेडी देख लें. ट्रेजेडी के फॉर्मेटिव पार्ट कौन से हैं? सिक्स फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ ट्रेजेडी. अभी तो हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी है, आगे देख लें इसके सिक्स फॉर्मेटिव पार्ट्स कौन कौन से. नंबर वन प्लॉट, नंबर टू कैरेक्टर, नंबर थ्री फिक्शन. प्लॉट किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इवेंट को. ड्रामा के अंदर प्लॉट क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, वो प्लॉट जितना स्ट्रांग होगा कैरेक्टर्स भी उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे. उसके बाद डिक्शन, देन थॉट, स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल मीन्स के वो जो एम्बेलिशमेंट के लिए जो चीजें यूज हुई हैं, और सॉन्ग जो कि ईडिपस रेक्स में आपने थ्रू कॉरस देखा कि सॉन्ग. ये सिक्स फॉर्मेटिव पार्ट्स हैं ट्रेजेडी के. नेक्स्ट उस पे चलते हैं. व्हाट इज प्लॉट? पहला फॉर्मेटिव पार्ट. हम अब ये सिक्स फॉर्मेटिव पार्ट जो हैं, जब ट्रेजेडी का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने ये सिक्स फॉर्मेटिव पार्ट्स लिखने होते हैं. प्लॉट देख लेते हैं क्या है. आप लोगों ने अक्सर ईडिपस रेक्स में पढ़ा होगा, और स्टूडेंट्स मेरे से पूछा करते थे मैम प्लॉट क्या होता है. ठीक है, हमने कितने ड्रामास पढ़े, कितने नॉवेल्स पढ़े, कितनी पोइट्री पढ़ी, हर उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को लगता था प्लॉट पता नहीं क्या चीज है. इंसिडेंट्स ऑफ सॉरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ही कहते हैं. लेकिन अब वो तो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी. नाउ लेट्स सी के व्हाट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लॉट, कि प्लॉट की डिटेल स्टडी क्या, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लॉट हो क्या आपका कैरेक्टर, एंड देन फाइनली आपका एक और क्वेश्चन आता है कैथारसिस का. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वही एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं जो आप एक एक करके उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे. प्लॉट इज द ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स. ऑर्डर करना यानी कि सीक्वेंस देना इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं. सिंपल प्लॉट दो तरह का होता है, एक सिंपल प्लॉट होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है. अब देखते हैं सिंपल प्लॉट की क्या डेफिनेशन है. प्लॉट इज सिंपल व्हेन द चेंज इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द हीरो टेक्स प्लेस विदाउट पेरिपेटी एंड डिस्कवरी. जब चेंज ऑफ फॉर्च्यून होता है एक हीरो का विदाउट पेरिपेटी एंड डिस्कवरी, बगैर पेरिपेटी के और डिस्कवरी के, तो उसको हम कहते हैं ये बिल्कुल सिंपल सा प्लॉट है. यानी कि उसकी चेंज ऑफ फॉर्च्यून तो हुई लेकिन विदाउट पेरिपेटी और डिस्कवरी हुआ. दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट. The plot is complex when it involves one or the other both. जब वो मतलब it involves one or the other both, यानी कि जब उसके अंदर जो है plot simple भी और दूसरा दोनों जो है वो दोनों उसके अंदर involve होते हैं. The peripety is the change, यानी कि peripety और discovery जो है वो दोनों या इन दोनों में से एक जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है. सिंपल प्लॉट क्या होता है? जो जिसके अंदर पेरिपिटी और डिस्कवरी नहीं होती. कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है? जिसके अंदर या तो पेरिपिटी होती है या डिस्कवरी होती है या बोथ होते हैं.
ठीक है. अब वो कहते हैं द पेरिपिटी इज द चेंज इन फॉर्च्यून्स ऑफ द हीरो. पेरिपिटी कैसे किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरिपिटी. पेरिपिटी इज द चेंज इन फॉर्च्यून्स ऑफ द हीरो एंड डिस्कवरी इज द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. अब पेरिपिटी हम अप्लाई करते हैं ईडिपस रेक्स के ऊपर. आपको याद होगा ईडिपस रेक्स, ठीक है, उसी को हमने कहा था ना कि वो आइडियल अरिस्टोटल की डेफिनेशन है उसके ऊपर. अब उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर हमने चेंज ऑफ फॉर्च्यून ऑफ द हीरो देखा, ठीक है, उसके अंदर पेरिपिटी थी. और डिस्कवरी उसकी क्या थी, इग्नोरेंस टू नॉलेज, कि उसको पता चल गया था कि वही अपने उसके बाप का कातिल है और उसी ने अपनी माँ के साथ शादी की है. ये उसकी डिस्कवरी थी. और उसकी चेंज इन फॉर्च्यून क्या थी कि वो भागा हुआ था अपने ही मुल्क से और फिर फाइनली वो जिस बादशाह से भागने की कोशिश कर रहा था फाइनली वो उसी का बादशाह बन गया, ठीक है, एक शहजादे से वो एक बादशाह बन गया. लेकिन शहजादा कौन था जो अपनी सारी मलकियत छोड़ के जा रहा होता और एकदम उसकी फॉर्च्यून चेंज होती है और उसको एक बादशाह बना दिया जाता तो उसकी फॉर्च्यून चेंज हो गई. तो इसके अंदर हमने देखा कि डिस्कवरी भी है यानी कि इग्नोरेंस टू नॉलेज भी वो आता है और उससे पहले उसकी चेंज ऑफ फॉर्च्यून हमने देखी. अच्छा, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लॉट. अभी तो हमने क्या पढ़ा, दो तरह के प्लॉट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या है, जिसके अंदर पेरिपिटी और डिस्कवरी इन्वॉल्व नहीं होती, कॉम्प्लेक्स के अंदर पेरिपिटी और डिस्कवरी इन्वॉल्व होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और प्लॉट वो क्या है. प्लॉट शुड बी होल, एक मुकम्मल होल होना चाहिए. इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड, उसकी एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि पांच लाइनों की एक कहानी होगी, ऐसा नहीं होगा. उसका एक मैग्नीट्यूड, उसकी एक लेंथ होनी चाहिए. ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए यानी कि जितने भी इवेंट्स हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रही वो पहले वाला वाक्या कब हुआ था, उसके बाद वाला कब हुआ, फिर उसके अंदर एकदम से इतने सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आ गए, ठीक है. फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी होनी चाहिए, ठीक है. और उसके बाद उसके अंदर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होनी चाहिए. अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लॉट है इसको भी हम देखेंगे जब हम प्लॉट को पढ़ेंगे. फिर देखते हैं फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट. पैरिपिटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ फॉर्च्यून को कहा जाता है पैरिपिटिया या पैरिपिटी. फिर वो कहता है कि एनेग्नोरिसिस, रिकॉग्निशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, जिसको हम डिस्कवरी भी कहते हैं. एनेग्नोरिसिस जो है पैरिपिटी या पैरिपिटी को कहते हैं. एनेग्नोरिसिस जो है वो डिस्कवरी को कहते हैं. डिस्कवरी का ही ग्रीक नेम जो है वो एनेग्नोरिसिस है, रिकॉग्निशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ. उसके बाद है सफरिंग, डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल एक्शन, ठीक है. उसके बाद उसकी सफरिंग होती है. नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया प्लॉट. अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी. पहला प्लॉट, दूसरा कैरेक्टर. कैरेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं. आप लोगों को याद होगा ट्रेजिक कैरेक्टर, ट्रेजेडी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. याद है आप लोगों को, जब हम ईडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो पढ़ रहे थे, याद करें जरा, उसमें आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे. आज जरा ईडिपस रेक्स को हम दोबारा से देख लेते हैं. कैरेक्टर्स आर द एजेंट्स फॉर मूविंग अकॉर्डिंग टू द प्लॉट. कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्लॉट मूव कर रहे होते हैं, यानी कि जो कहानी होती है उसके हिसाब से वो मूव कर रहे होते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो मूव करते हैं. एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या होते हैं, ठीक है. एसेंशियल फीचर्स जो है वो एक कैरेक्टर के, हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टर शुड बी गुड, कैरेक्टर शुड होना गुड होना चाहिए. कैरेक्टर शुड बी अप्रोप्रिएट, उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए. कैरेक्टर शुड बी ट्रू टू लाइफ, उसको ट्रू टू लाइफ भी होना चाहिए. ये नहीं कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो, यानी कि आपके और मेरे जैसा हो, लगे कि वो कोई जिंदगी से रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाई जा रही है. और कैरेक्टर जो है किसी, मतलब एक रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर है. कैरेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट, और कैरेक्टर जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि पल में तोला पल में माशा नहीं होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर दिखाना चाहिए. ये उसके चार एसेंशियल फीचर हैं कैरेक्टराइजेशन के. उसके बाद है थॉट, ठीक है. थॉट देखते हैं क्या है. थॉट इज द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इन द ट्रेजेडी. थॉट जो है वो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है इन अ ट्रेजेडी. इट इज द एबिलिटी ऑफ ड्रामेटिस्ट टू से व्हाट इज पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट.
थॉट एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है ट्रेजेडी के अंदर, और ये एक एबिलिटी है एक ड्रामाटिस्ट की कि व्हाट इज पॉसिबल, कि क्या पॉसिबल है एंड अप्रोप्रिएट, और क्या अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, ठीक है। प्रूफ एंड रेपुटेशन, और इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, थॉट वैसे ही आपको पता सोच को कहते हैं, सोच इंटेलेक्चुअल एलिमेंट होता है इन अ ट्रेजेडी। अब इसके अंदर आपकी प्रूफ और आपका रेपुटेशन आता है, प्रोडक्शन ऑफ इमोशनल इफेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ एनीथिंग, या इंट्रोडक्शन, और थर्ड चीज इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एनीथिंग। उसके बाद डिक्शन एंड स्टाइल। डिक्शन किसे कहते हैं, डिक्शन इज द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस इन लिटरेरी कंपोजिशन। डिक्शन जो है वो चॉइस है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस है इन लिटरेरी कंपोजिशन। ये आपका फिलिप सिडनी के पास्ट पेपर में आया हुआ था कि व्हाट इज अ डिक्शन और फिलिप सिडनी की डिक्शन क्या है। अब ये देख लें, यहाँ पे डिक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ डिक्शन। ये आपने वहां पे ऐड करनी है उस क्वेश्चन के अंदर कि डिक्शन इज द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस इन लिटरेरी कंपोजिशन। डिक्शन जो है वो आपका अपना तरीका है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इमेजेस है एक लिटरेरी कंपोजिशन। अब देखिए, सबने अपनी डिक्शन डिफरेंट लिखी हुई है। अगर आप अरिस्टोटल के उस्ताद की बात करें, प्लाटो की, उसकी डिक्शन और है, अरिस्टोटल की और है, अलेक्जेंडर की और है। इसी तरीके से अगर हम पोएटिक डिक्शन देखें फिलिप सिडनी की, तो वो और है, ठीक है। तो डिक्शन क्या है, डिक्शन और स्टाइल एंड स्टाइल क्या है, सिक्स टाइप्स ऑफ वर्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं डिक्शन में, करंट और ऑर्डिनरी वर्ड्स, ठीक है। असल में आपने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही देखना ना, तो क्या है, करंट और ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं, फॉरेन टर्म्स, बोरोड और डायलेक्ट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। फॉरेन टर्म्स जो है, आप इसके अंदर ग्रीक वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर डायलेक्ट्स कहते हैं मकामी जबान को, ये आप लिंग्विस्टिक्स में आप पढ़ेंगे, बहुत डीपली इसको पढ़ेंगे कि फॉरेन टर्म बोरोड क्या होता है, लैंग्वेज बोरो कैसी होती है, डायलेक्ट्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्स कहते हैं मकामी जबान को, वो डायलेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो फॉरेन टर्म्स बोरोड भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरी ग्रीक, रोमन, कुछ भी वर्ड्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मेटाफर भी आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल पैराफ्रेजेस भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, इन्वेंटेड वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, नॉट इन्वेंटेड बट मेड न्यू, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग। नॉट इन्वेंटेड, जो अभी तक कुछ ऐसे वर्ड्स भी आप यूज बना सकते हैं जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हो सके, ठीक है। मेड न्यू, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग, न्यू लेंथनिंग और शॉर्टनिंग वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है सॉन्ग्स और मेलोडी। अब वो कहता है ट्रेजेडी के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट, जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो जो है आपका सॉन्ग्स और मेलोडी भी है। सॉन्ग इज द प्लेजरेबल एडिशन टू अ प्ले इन अ ट्रेजेडी, सॉन्ग इज प्रोवाइडेड बाय कोरस। और ट्रेजेडी के अंदर अगर हम ईडिपस रेक्स को देखें, तो हमने वहां पे कोरस पढ़ा था, ठीक है। कोरस एक सॉन्ग होता है, और उसके अंदर हमने प्रोलोग भी पढ़ा था। ईडिपस को जरा रिमाइंड करें, उसमें हमने सबसे शुरू में प्रोलोग पढ़ा था, देन हमने कोरिक सॉन्ग पढ़ा था, फिर एपिसोड पढ़ा था, और एंड में जो एग्जिट सॉन्ग था उसको एग्जॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने चार वहां पे पढ़े थे, आपको याद होगा, याद नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक्स खोल के देखें, उसके अंदर ये चारों चीजें। फिर है स्पेक्टेकल और स्टेज इफेक्ट। स्पेक्टेकल कहते ही स्टेज इफेक्ट को है, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि स्पेक्टेकल स्टेज इफेक्ट्स ही होते हैं जो कि वहां पे दिखाए जा रहे थे। स्पेक्टेकल इज द मोड ऑफ इमिटेशन बाय विच द स्टोरी इज प्रेजेंटेड ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, इट इज द साइट ऑफ डिजास्टर एंड अरिस्टोटल कॉल्स दिस कैन रेज फियर एंड पिटी इन द स्पेक्टेटर। और ये एक साइट ऑफ डिजास्टर है, और अरिस्टोटल इसको क्या कहता है कि ये रेज करता है फियर एंड पिटी इन स्पेक्टेटर। लाइक अब देखें, एक ट्रेजिक कॉमेडी की बात हो रही थी, अगर हम बात करते हैं वेटिंग फॉर गॉडो की, तो उसमें स्टेज कैसा था, स्टेज बिल्कुल बैरन था, पीछे एक दरख्त लगा हुआ था और उसके ऊपर पहले तो पत्ते थे ही नहीं, सीन टू में हमने देखा उस पे पत्ते निकल रहे थे, ठीक है। अब आप ये सोचें कि दिखानी हमने ट्रेजेडी हो और स्टेज पे हम लगा दें बहुत सारे फूल, तो क्या ये सूट करेगा ट्रेजेडी को, नहीं ना। अब आप देखें, आप डिफरेंट मूवीज देखते हैं, आप डिफरेंट ड्रामा देखते हैं, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, टाइटैनिक मूवी के अंदर आप देखेंगे वो उन्होंने पूरा स्टेज ड्रॉ किया था, ठीक है। एक उसका स्टेज इफेक्ट देना होता है कि जी अगर एक समंदरी मूवी है तो वो उसके अंदर बकायदा दिखाया गया था, उन्होंने एक
जहाज उसी तरीके का बनाया था, उसके अंदर उसी तरीके से रूम्स बनाए थे, तो वो जो स्टोरी वो परफॉर्म करना चाह रहे थे उस हिसाब से स्टेज भी तो बनाना था ना, उसके स्पेक्टेकल भी तो वैसे होने चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है कि दिखानी हमने ट्रेजेडी हो और वहां पे हम मुर्गियां और बकरियां छोड़ दें, ठीक है ना, या वहां पे बाघों में एक ट्रेजेडी दिखाना शुरू कर दें, नहीं होगा ना। अगर आपने एक रोमांटिक या आप देखें कि अक्सर पोएम्स होती हैं, अब यही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देखिए बैकग्राउंड कितना खूबसूरत लगा हुआ है, ये इसका स्पेक्टिकल है। डिफरेंट ड्रामाज होते हैं उसका बैकग्राउंड, स्टेज के ऊपर बैकग्राउंड देखा करें कितने खूबसूरत बने हुए होते हैं। आजकल बच्चे परफॉर्म करते हैं, आप किसी इवन मॉन्टेसरी स्कूल में जाए, वो बच्चे पीछे आके एक बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं, क्यों करते हैं, ताकि एक प्लेजरेबल इफेक्ट जो है वो ऑडियंस के ऊपर बन जाए, ठीक है, दैट इज द मोड ऑफ इमिटेशन। अब उस दिन मैं स्कूल गई अपने बेटे के, तो वो क्या था उसके अंदर, वो एक उसने एक चिड़िया बनाई हुई थी, वो अल्लामा इकबाल की कोई का सॉन्ग था, कोई पोइट्री पे सॉन्ग बनाया हुआ था, और वो चिड़िया थी और उसको ना एक कैद में डाला हुआ था, तो बाकायदा उन्होंने वहां पे स्टेज का वो सारा कुछ वैसे का वैसे ही दिखाया हुआ था कि एक साइड पे उन्होंने सारे फूल ही फूल दिखा दिए और दूसरी साइड पे उन्होंने एक केज दिखाया हुआ था जिसके अंदर एक बच्चा जो है उसने चिड़िया वाला लिबास पहना हुआ था और वो उसके अंदर बंद था। तो दैट इज द थिंग कि आपको स्टेज जो है उस पे मोड ऑफ इमिटेशन या उसको प्रेजेंट कैसे करना है स्टेज के ऊपर, तो बिफोर द ऑडियंस इट इज द साइट ऑफ डिजास्टर एंड इट्स अरिस्टोटल कॉल्स दिस कैन रेज फियर एंड बिटवीन द स्पेक्टेट। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, प्लॉट है, कैरेक्टर है, एनेग्नोरिसिस जिसको डिस्कवरी भी कहते हैं, और हमार्शिया एरर ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट है एपिक एंड ट्रेजेडी, ठीक है, जो सिक्स्थ उसने इसके अंदर बताया था, छठा सेक्शन एपिक एंड ट्रेजेडी। पोएट्री डिवाइडेड इनटू एपिक और नैरेटिव पोएट्री एंड ड्रामेटिक पोएट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ इमिटेशन। पोएट्री जो है उसको डिवाइड किया गया एपिक या नैरेटिव पोएट्री में एंड ड्रामेटिक पोएट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ इमिटेशन, और उसको डिवाइड किया गया ड्रामेटिक पोएट्री में ऑन द मैनर ऑफ इमिटेशन। एपिक इज द नरेशन ऑफ एन एक्शन इन वर्स एंड ट्रेजेडी इज द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन। एपिक जो है वो नरेशन है ऑफ एन एक्शन इन अ वर्स, और ट्रेजेडी क्या है वो एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एक्शन। उसने एपिक और ट्रेजेडी के अंदर जो है हमें बताया कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसने कहा कि पोएट्री जो है वो डिवाइड होती है एपिक और नैरेटिव पोएट्री में, और ड्रामेटिक पोएट्री जो है वो बेसिस होती है मैनर ऑफ इमिटेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने एपिक पोएम पढ़ी थी या मॉक एपिक पढ़ी, चले रेप ऑफ द लॉ, उसके अंदर क्या है, नरेशन है, कहानी सुनाई गई ऑफ एन एक्शन इन अ वर्ड्स वर्ड्स फॉर्म के अंदर। और ट्रेजेडी क्या है, ईडिपस रेक्स की ट्रेजेडी क्या थी, वो एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ एन एक्शन, ठीक है, उसके अंदर आप वर्सेस वगैरह नहीं देखते। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी। एपिक और ट्रेजेडी में क्या सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के अंदर ही डाउनफॉल ऑफ हीरो होता है, ठीक है, यूज ऑफ रिफाइंड डिक्शन, उसके अंदर यूज ऑफ रिफाइंड डिक्शन होती है। बोथ इन ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट शुड नो द आर्ट ऑफ टेलिंग लाइज इन द राइट वे, बोथ शुड हैव द एबिलिटी ऑफ आर्टिस्टिक इमिटेशन, दोनों के अंदर एबिलिटी होती है ऑफ आर्टिस्टिक इमिटेशन की। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, ट्रेजेडी और एपिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये सारी आज हम आउटलाइन पढ़ रहे हैं, अभी ये आगे डिटेल्ड हमने पढ़ना है। और क्या है डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, एपिक जो है वो नैरेटिव होती है, ट्रेजेडी ड्रामेटिक होती है, एपिक लॉन्ग होती है, ट्रेजेडी जो है दैट मस्ट बी कन्फाइंड टू अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन, मतलब उसके अंदर थ्री यूनिटीज होना बहुत जरूरी है, वन डे पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो है एपिक के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, और ट्रेजेडी के अंदर जो है थ्री यूनिटीज होती हैं। फिर एपिक के अंदर यूज ऑफ वन मीटर होता है और हीरोइक कॉपलेट होता है, जबकि ट्रेजेडी के अंदर वेरियस मीटर्स होते हैं। फिर वो एपिक के बारे में कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी नॉट सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल, उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी होते हैं, सॉन्ग और स्पेक्टिकल नहीं होते, जबकि ट्रेजेडी के अंदर सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, छह के छह एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी होते हैं। रूल्स ऑफ ट्रेजेडी देख लेते हैं क्या है।
It is an imitation of an action. It should be imaginatively visualize the action. Imaginatively आप visualize करते हैं action को. Oedipus Rex को जब हम पढ़ रहे थे लग रहा था ना कि हम imaginatively visualize कर रहे हैं उसके action को. He should work out the emotions with very gestures of his dramatic persona. और वो जो है work out करता है emotions को with very gestures of his dramatic persona. और फिर वो क्या करता है? He should begin with the universal form of plot. उसको शुरू करना चाहिए universal form of plot से, यानी कि plot की जो एक universal form है, और adding the names, और उसके अंदर names add करने चाहिए और episodes later, और बाद में episode उसके बाद में. Types of tragedy देख लेते हैं. Tragedy की क्या-क्या types होती हैं? Complex tragedy. ठीक है, अब ये क्या है? It consists of reversal and recognition of truth. इसके अंदर भी reversal, जैसे हमने complex plot के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर भी reversal और recognition of truth या discovery of truth होना चाहिए. इसके अंदर भी reversal और and recognition of truth होना चाहिए. फिर number दो, second है tragedy of suffering. Tragedy depicts suffering. ठीक है, जिसके अंदर suffering. Tragedy of character. Character more involved than plot. Tragedy of spectacle. It depends upon the sensational effects produced by the actors, the costume, designers, and other mechanical and artificial devices. Abhi recently humne tragedy of spectacle padhi hai, Waiting for Godot. Usme jo hai कैरेक्टर से कहीं ज्यादा जो बैकग्राउंड और स्पेक्टिकल और उनके जो कॉस्ट्यूम्स और वो जो आर्टिफिशियल डिवाइसेस उस स्टेज के ऊपर परफॉर्म हुए थे वो बहुत ज्यादा उसमें प्लॉट और कैरेक्टर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था जितना वहां पे स्पेक्टिकल इन्वॉल्व था. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन कहते हैं डिस्कवरी को. एनेग्नोरिसिस डिस्कवरी और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ. साइंस और ऑब्जेक्ट सिंपल. ठीक है, अब देखते हैं कि डिस्कवरी किस तरीके से होती है. साइंस या ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स के थ्रू. ऑथर टेल्स हिमसेल्फ, खुद ऑथर बता देता है तो डिस्कवरी हो जाती है. डिस्कवरी फ्रॉम मेमोरी, किसी याद से आपकी डिस्कवरी हो जाती है किसी मेमोरी से. जैसे हमने देखा कि डेस्टिमोना जो है वो बाद में बताती है कि हाँ ऐसे हुआ था, वो एक बच्चा था और फिर उसको हमारा बच्चा हुआ था, हम छोड़ आए थे उसको, और इस तरीके से. तो दैट इज डिस्कवरी फ्रॉम मेमोरी. Author tells himself, Oedipus में कहीं ना कहीं author already बता चुका था. और process of reasoning, Oedipus Rex में हमने देखा वो एक process of reasoning से गुजरता है. Discovery arises from false reasoning, और discovery arise होती है false reasoning से. जब Oedipus Rex जो है वो क्या नाम था, वो जो blind prophet था Tiresias, उसके ऊपर जो है वो करता है फॉल्स, उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा देता है, उस पर शक करता है. इवन वो अपने साले के ऊपर जो है वो शक करता है, तो फिर क्या होता है? तो वो अगेन फाइनली उसकी अपनी डिस्कवरी हो जाती है. टेरेसिस उसको कहता है कि भाई जो है यू आर, मतलब तुम ये ऐसा ही है, वो उसको बताता है, लेकिन वो उसके ऊपर फॉल्स रीजनिंग करता है एंड फाइनली डिस्कवरी होती है. सुपीरियोरिटी ऑफ ट्रेजेडी ओवर एपिक. It has all the elements of an epic and has also spectacle and song with the epic legs. Elements of an epic kya hai? Superiority of tragedy over epic kya hai? Ki isme tamam elements of an epic hain and has also spectacle and song with the epic legs. Unity of action only in a tragedy, not in an epic. Aur unity of action jo hai sirf tragedy mein hoti hai, epic mein nahi hoti. Simply reading play without performing, it is already very potent. Or simply reading जो है, reading the play without performing, it is already very potent. ये भी बहुत ज़्यादा जो है potent है. Tragedy is shorter than more compact concentrated effect. तो tragedy का shorter than more compact concentrated effect है. Shorter तो है लेकिन more compact है. Ideal tragic hero. Oedipus Rex में हमने पढ़ा था ideal tragic hero. ठीक है, और हमने बताना था कि अरिस्टोटल के हिसाब से आइडियल ट्रेजिक हीरो क्या था. ये वही आइडियल ट्रेजिक हीरो आ जाते हैं. ही शुड नॉट बी एन अटर विलन. ठीक है, उसको अटर विलन नहीं होना. ही शुड नाइदर द परफेक्ट गुड नॉट अटरली बैड. ना ही वो परफेक्टली गुड है,
ना वो अटरली बैड होना चाहिए. ही मस्ट बी इंटरमीडिएटरी सॉर्ट ऑफ पर्सन, दरमियाने मिजाज का मालिक होना चाहिए. ही मस्ट पजेस द बोथ क्वालिटीज एंड वीकनेस, और उसके अंदर क्वालिटीज भी होनी चाहिए और वीकनेस भी होनी चाहिए. यानी कि टू मच गुड भी होना नहीं होना चाहिए और टू मच इविल भी नहीं होना चाहिए. ही मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसको एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. और हमारशिया, ट्रेजिक फ्लो, जिसको हम एरर ऑफ जजमेंट भी कहते हैं, उसके अंदर एक हमारशिया होना चाहिए, तो वो एक आइडियल ट्रेजिक हीरो बनता है. एंड थैंक यू. ये आप लोगों का आज का लेसन जो है वो एंड हो गया.